भाभी जी का हमारे फोन आया है कि हाँ गणपति पप्पा घर पे आए हैं तो कुछ गीत संगीत होना चाहिए, कुछ भजन कीर्तन होना चाहिए। हमने बोला बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरी लड़की घर पे थी, वो काम कर रही थी और मैं उठी और बस चल दी। भाई मुझे घाई होती है ना, तभी लिफ्ट है ना हमेशा की तरह धोखा दे देती है कि हाँ वो लेट में ही आई और पीछे बच्चे जरूर चिल्लाएंगे जब मैं एडिटिंग करने में। बोलो गणपति पप्पा मौर्य। वरुण का भी ध्यान होता है, पूजन कराते हैं और वरुण में सभी देवी देवता का वास होता है, नवग्रह बनाया जाता है। जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं दीपक देवता, क्रम साक्षी दीपक देवता, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो हमारे प्रत्यक्ष देवता के रूप में दीपक देवता है, तो वो हमारे गणेश जी के पास प्रस्तुत करते हैं। तो सभी लोग जो भक्तगण हैं सभी लोग ऐसे कामना करें, हे भगवान हम आपके शरण में आए हैं, हमारा भी कल्याण करें और भक्तों का भी कल्याण करें, सभी का कल्याण करें। तो भगवान गणेश जी की ऐसे मंद मंद मुस्कान है, इनकी ऐसी छवि है, ऐसे भी ध्यान करिए, भगवान आपका ही जैसा श्रृंगार है उसके ऊपर ही पूरा आपका भजन कीर्तन हो रहा है। बोलेगा
12 बज गया था और हमें छोड़ने के लिए हमारी भाभी जी ने भेजा अपने बच्चे को, हमारी एक बहन आई वो हमें घर तक का छोड़ के गई। तो बस ऐसे ही गणपति पापा आए तो ऐसे आपको कोई बुला ले तो आप जागरण के लिए या भजन करने के लिए आप लोग चले जाइए। जब तक गणपति पापा हैं उनके दर्शन कर लीजिए, घर पे यदि हम नहीं ला पाते तो कम से कम उनके दर्शन तो कर लें, मेरा तो यही मानना है। तो आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। तो आगे मैंने क्लिप लगा दी है, जो भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर पाई है वो, और फिर उसके बाद मेरे भाभी के बच्चे ने उन्होंने लिया रिकॉर्डिंग। तो फिर बोले गणपति बप्पा मोरिया, और ऐसे गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए।